चुप बदमाश, ये हमारा भविष्य है लेकिन मेरा वर्तमान बिगाड़ देंगे। सो मैं थोड़ा सा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि हम 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल बात ना करें तो बात करने में मुझको मजा आएगा और आपका और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, यूटिलाइज हो जाएगा। अभी तक बहुत सारे लोग कुछ कर रहे थे, मेरा रिक्वेस्ट है कि 15-20 मिनट और बात ना करें, फिर घर जाके आपको जो मन करे बात करें, मेरा गुस्सा घर पे निकाल लीजिएगा। मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं इस बिजनेस में जो संजय आपको बता रहे थे 15 साल से हूँ, उन्हें 13 साल काहे को बोला रहे। आई वॉज वर्किंग विद दिस सिस्टम सिंस लास्ट 15 ईयर, September 14, 2005 का एसोसिएशन है मेरा और जब मैं आया इस कंपनी को चलते हुए 3 वर्ष हो चुके। मेरा नंबर इस बिजनेस के अंदर 44,654 है, यानी मुझसे पहले करीब करीब 44,653 लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी ये वाला काम कर रहे थे। ये वाला काम का मतलब मेंबर बनाने का काम, चेन वाला काम, स्कीम वाला काम, तुम फंसो हम फंसाएं ऐसा वाला काम, ऐसे वाला काम। देखो ऐसा है ना यार, आप कुछ भी बोलो लोगों ने आखिरी में तो संजुम यही समझना है। मैं फ्लाइट में नागपुर जा रहा था तो मेरे साथ में एक 55 साल के बुजुर्ग अंकल जी थे, तो मैं मेरा लैपटॉप एक वीडियो देख रहा था, तो वीडियो में मैं खुद को ही देख रहा था, तो कान में मैंने वो लीड लगा रखा, तो वो देखते रहे फिर मुझसे 10-15 मिनट उनसे रहा नहीं गया, तो मुझसे गोनी मार के पूछे ये हटाओ, तो मैंने वो कान वाला लीड हटाया, बोला तुम क्या करते हो, तो मैंने कहा हुजूर मेंबर बनाते हैं। तो अब तो वो बहुत चक्कर आ गया, मैंने कहा अब हम तुमको संजुम भाटिया की तरह टाइम मल्टीप्लिकेशन सिखाएं अगर, है ना, एक्टिव अर्निंग और पैसिव अर्निंग सिखाएं, साला फ्लाइट लैंड करते करते आखिरी में तुमको पकड़ में यही आएगा कि 2 बनाने और फिर 4 बनाने, काहे को 1.5 घंटा खराब करना फ्लाइट का, सीधी बात। ये देखो ये अब ये लोग कह रहे हैं बंदा संजय थोड़ा सॉफ्टवेयर के आदमी है, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं, मैं देहाती लड़का हूं तो मैं देहाती बात करता हूं। सो मैं इस बिजनेस में आया September 14, 2005 को और जब पहली बार मैं इस बिजनेस देख रहा था तो मुझे भी बताया गया था कि तुम ऐसी गाड़ी घोड़ा बंदूक मकान जैसी भी बुलडोजर कुछ खरीद लोगे, हाँ तुम्हारी जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी और मिडिल क्लास फैमिली के हम लोग हैं, है ना, हमारे पास पैसा कुसा तो होता नहीं है, तो बिल्कुल ऐसी कहानी होती है कि भूख लगी है बहुत टाइम से और कोई खाना परोस रहा है तो जीभ बाहर आ ही जाती है, है ना, सीधी सी बात है यार, बहुत समय से कुछ खाया ना हो अचानक कुछ भी परोसा जाए और बोला जाए ये बहुत शानदार है 5 स्टार से आया है तो आपको लगेगा पक्का आया ही होगा यार, बाद में मालूम चला उसमें कंकड़ निकल रहे हैं। सो मेरे साथ भी ऐसी कहानी थी, जब मुझे पहली बार दिखाया गया तो मैं बड़ा उत्सुक हो गया बड़ा, और मुझे लगा कि यार ये ऐसा काम है जिससे हमारा जिंदगी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में मुझे लगता है 95% लोग यहाँ मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते होंगे। अच्छा मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्त, इसको बंद ही कर दो यार, जो लाइट मेरे सर पे है ना इसको आप प्लीज इसको बंद कर दीजिए, हाँ ठीक है, हम 95% लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते होंगे, मैं ठीक कह रहा हूँ? 100-100 रुपए के लिए घर में कभी कभी झगड़ा भी होता होगा, मैं ठीक कह रहा हूँ, है ना, आप 500 मांगते होंगे तो पिताजी 100 देते होंगे, ऐसा होता है कभी कभी? तो हमारे साथ तो ऐसा होता था, मैं बताते हुए कोई शर्म वर्म नहीं आती यार, आदमी को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए, तो है ना ये सब चलता था हमारे लिए। तो मिडिल क्लास फैमिली के साथ एक दुर्घटना हो चुकी है, वो दुर्घटना आप चाहेंगे तो मैं बता देता हूँ, मतलब एक ऐसी दुर्घटना उनके साथ हो गया उनकी छाती पे एक चिन्ह बन गया है, चिन्ह समझते हैं जैसे किसी ने मोहर लगा दी उनकी छाती पे, और वो मोहर ये है उनके दिमाग में एक बात ठूस ठूस के घुस चुकी है कि जिंदगी में तुम्हारे साथ अच्छा कभी नहीं हो सकता। अगर संजुम बोल रहा है कि तुमको मर्सिडीज आएगी, मैं दावा दे सकता हूं अगर यहां पर 400 लोग बैठे हैं ना एक का भी रोंगटा नहीं खड़ा हुआ होगा, उसको लगा ही नहीं होगा साला हमको आ सकती हो, हाँ या ना बोल दो, ईमानदारी से बोलना, देखो हाँ या ना, अगर 400 लोग पड़े हैं यहां पर बैठे हैं किसी एक को भी लगा हाँ सर पक्का कतई लूंगा काले रंग वाली, आपकी खोपड़ी में ऐसा कुछ गया ही नहीं होगा। अगर ज्यादा ज्यादा कोई मोटिवेट हुआ होगा तो उसको इतना ही मोटिवेशन आया होगा कि मेरे 10,000 जो मैं लगा रहा हूं वो मैं निकाल लूंगा, बस इतना तो मैं कर लूंगा यार, मतलब इतना मोटिवेट तो आप हो गए होंगे यार, लेकिन आपकी खोपड़ी में ऐसा कुछ विचार नहीं आया होगा कि
कि मर्सिडीज देखते देखते तुमने रंग भी पसंद कर लिया हो, है ना, और तुमने सोचा हो शंकर जी की फोटो लगाऊंगा आगे, साथ में बीबी बैठेगी या गर्लफ्रेंड, जो भी, ऐसा सोचना शुरू कर दिया होगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा तुम्हारे साथ। हाँ या ना, ईमानदारी से बताना, ये डाई में प्रॉब्लम है हमारी। ये जो गोद दिया गया है हमारी छाती के ऊपर, जो चिन्ह बन गया है ना मिडिल क्लास फैमिली का, मैं उसी का सबसे पहला शिकार हूँ और हम सब उसी के शिकार हैं कि हमको जिंदगी में लगता है अच्छा हमारे साथ कभी नहीं हो सकता और बुरा तो कभी भी हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सर, 99.9% एक आध परसेंट को छोड़ दूं, किसी को कहां यार तुम्हारे मन में आ गया होगा तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आ भी सकता है, लेकिन 99% लोगों के दिमाग में ये बात ये उतरती ही नहीं है। मतलब मेरी कंपनी अगर होती तो मैं यहां दिखाता बाइक, तुमको एक साल के बाद मिलेगी हीरो होंडा, तुम बोलते हाँ ये गजब का काम है, ये हमारे मतबल का है ना, ये तो हम कर सकते हैं। अब कंपनी ने दिखा दी मर्सिडीज, सारा यहाँ अपना ऑल्टो का चेक बाउंस हो रहा है भाई, पानी कहाँ से समझ रहा है अपनी हालत भाई, हमको ही पता है। अभी जैसे जैसे महीना शुरू होता है, महीने के शुरू में तो हम रहीस रहते हैं सब लोग, जैसे जैसे महीना गुजरता जाता है हमारी गरीबी चालू होती रहती है, हम सब की, हम भी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमको मालूम है सब। हाँ जी, हम सब ने वो शैम्पू के अंदर पानी डाल के खूब हिला हिला के सारा सर पे डाला है कि जब तक आखिरी बूंद खत्म नहीं होगी साले को छोड़ेंगे नहीं अपन। बोलो हाँ के ना यार, बोलो बोल दो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। वो पेस्ट को बेलन से रगड़ा है हमने कि जब तक इस साले के अंदर आखिरी बूंद है, या तो ये नहीं या अपन नहीं, किया कि नहीं किया, देखो ईमानदारी से बताना, देखो सारा हमको बोला जा रहा है तुमको मर्सिडीज आ जाएगी ले। तो बड़ा अजीब सा पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है और हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि हमको विश्वास हो जाए। देखो और जो आपको लेके आया है वो आपसे उम्मीद भी क्या कर रहा है, तेरे को बात समझ में आ गई, पैसा दे, कह रहा भाई हमको समझ में नहीं आ रही है बात, लेकिन अब हमसे उम्मीद भी ऐसी हो रही है कि तुमको तो समझना पड़ेगा, हम पागल।